दोस्तों आप सबको आज का इस लेसन में स्वागत है। आज हम लोग जो गवर्नर जनरल सीरीज का तीसरा पार्ट सार जॉन्स और के बारे में डिस्कशन करें। पहला चीज याद रखना है, सार जॉन्स और 1793 तक, मतलब 93 से 98 तक ऑफिस में थे। उनके टाइम में कई सारे इंपॉर्टेंट चीज हुआ, जैसे मान लीजिए जो परमानेंट सेटलमेंट होता है ना, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, ये परमानेंट सेटलमेंट मतलब आप ये बोल सकते हैं जॉन शोर से पहले आए थे कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस किए थे परमानेंट सेटलमेंट कहां पे, याद रखना है बंगाल और बिहार, ये दोनों में, बंगाल और बिहार स्टेट में लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस किए थे परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। और इस परमानेंट सेटलमेंट को अच्छी तरह से लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सार जॉन्स और का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा हाथ था। तो कभी क्वेश्चन भी आ सकता है परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए किसका बड़ा पाइवोटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल था, वो है सार जॉन्स और, ठीक है। दूसरा चीज ये है, इनके टाइम पे फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 में पास हुआ था, कई सारे चेंजेस आए था, ठीक है। और जॉन शोर के टाइम पे क्या हुआ था, बैटल ऑफ खर्दा हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ बैटल ऑफ खर्दा जो है वो 1795 में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, जो हैदराबाद का राजा मतलब किंग था, राजा निजाम, आपको पता होगा ये उसी जमाने का ऑल टाइम रिचेस्ट पर्सन थे निजाम। तो निजाम और मराठा के बीच में, वार हुआ था जिसमें निजाम हार गए थे, मराठा वाले जीत गए थे। तो याद रखना है बैटल ऑफ खर्दा में क्या हुआ, मराठा विनर थे और निजाम हार गए थे, ये 1795 में हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना। और अंत में सार जॉन्स और को पॉपुलरली कहते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, मतलब ये मतलब एक सीधा साधा गवर्नर जनरल थे, इनका काम से मतलब था, इतना चीज याद रखने। पॉपुलरली नोन आज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ये चार चीज अगर याद कर ले तो आपका काम हो गया। पहला चीज क्या है, सार जॉन्स के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट अच्छे से, मतलब इनका किरदार बड़ा था इंट्रोड्यूस करने। दूसरा चीज क्या है, बैटल ऑफ खर्दा इनके टाइम पे हुआ था 1795, ठीक है, निजाम हार गए थे मराठा जीत के। तीसरा चीज चार्टर एक्ट हुआ था। और चौथा चीज क्या है, इनको पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस के नाम पे जाना जाता है। ये था आपका सार जॉन्स। अगले लेसन में फिर मिलते हैं, विश यू हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।